बिहार राज्य को गरीब राज्य क्यों कहा जाता है, तो आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपना गांव अपना समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत में 2024 के अनुसार सबसे गरीब राज्य बिहार है। भारत में इनकम यानी आय के आधार पर सबसे गरीब राज्य है वह बिहार, और दूसरे नंबर इस मामले में उत्तर प्रदेश है। बिहार में इनकम की इसलिए कमी है, इसके कई कारण हैं। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है जिसकी वजह से विकास कार्यों में सही से लागू नहीं किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी है। दोस्तों, हमारे हिसाब से बिहार में गरीबी की मुख्य रूप से तीन कारण हैं। बिहार की राजनीतिक, बिहार के एक्सपर्ट, इन दोनों का मूल छिपा है, और भारत की गुलामी के समय में इतिहास। वहाँ पर ज़्यादातर सरकार और उनके जो नेता हुए वे भ्रष्ट हुए, और ये विकास करने के बजाय जनता और राज्य को लूटने में ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए बिहार के विकास गरीबी से पिछड़ रहा है। और दूसरे लोगों पर ध्यान देंगे पर खुद पे ध्यान देने की बजाय, और इस वजह से अनेकता में नहीं हो पाती है। तो विकास के नाम पर वोट देने के बजाय ज़्यादातर एक दूसरे के विरोधी में वोट डालते हैं, इसलिए जो नेता जीतने पे वो अपने लेवल धूर्त हो जाते हैं और उनको इस मानसिकता का उतना ही बड़ा फायदा उठा लेता है। बिहार में गरीबी के कारण जनसंख्या का बढ़ना, भ्रष्टाचार, अनपढ़ नेताओं और सरकारी दफ्तरों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारी का बोलबाल। जहाँ तक कि बिहार में गरीबी रहने के बहुत कारण हैं, जिसमें से मुख्य पांच विषय पर चर्चा मैं करूँगा। सबसे भ्रष्टाचार, पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, थाने में केस दर्ज करवाना, विधवा पेंशन उठाना, सब्सिडी के लिए अप्लाई करना, आवास के लिए अप्लाई करना, इन सभी के लिए बिना घूस दिए कुछ भी नहीं होने वाला। मानसिकता, बिहार में बहुत तेरे मिलेंगे आपको जो बिहार के पीछे होने का रोना ऐसे, लेकिन इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए इसकी कोई बात नहीं करता। लोग बदलाव की बात नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं तो इसकी मानसिकता का बदलाव होगा, तब हम बिहार के बदल सकते हैं इत्यादि। क्या ऐसा होना चाहिए बिहार से अशिक्षा के दूर? बिहार के शिक्षक बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में गरीबी की ये सभी मुख्य कारण है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।